इन द मीन टाइम भाई हम तो देख रहे हैं मैचेस और वर्ल्ड कप चल रहा है और क्रिकेट में इंटरेस्ट हमारा बढ़ता जा रहा है अगर मगर, लेकिन एक इदारा है जिसका इंटरेस्ट कम हो रहा है क्रिकेट से, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ, ये हमें लग रहा है सर। अब वेदर वी आर राइट और नॉट ये हमें नहीं पता, क्योंकि वहाँ से जब भी कोई खबरें आती हैं तो इतनी कोई हमें होप नहीं मिलती कि दे आर टोटली इन्वेस्टेड। एटलीस्ट एट दिस मोमेंट दे शुड बी इन जेल यू नो विद द टीम, जो हमें नहीं लग रहा। पूछ लेते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल, इस वक्त क्रिकेट टीम तो खेल रही है, भारत में मौजूद है और कल की साउथ अफ्रीका की जीत के बाद उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, फोकस और बेहतर हो रहा है, लेकिन पीसीबी में इस वक्त क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात, इस्तीफे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले, ताज़ा तरीन क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? मुबशर, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दो तीन मिनट इसी एक ही सवाल के जवाब में देंगे ताकि मैं दो तीन चीज़ें जो हैं। इतना कुछ हो रहा है, ज़रूर, प्लीज़ टेक योर टाइम। अच्छा, ऐसे है कि बड़ी खुशी की बात है, मैं बड़ा मुतमईन हुआ कि दो रोज़ जो हैं वो बड़ी खामोशी से गुजर गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में। इससे पहले दो हफ्ते तकरीबन बहुत हलचल रही, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, प्रेस रिलीज हो रही है और उसके साथ साथ इस्तीफे आ रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात थी। बड़े हैरानगी तो नहीं करनी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि इन दो दिनों में एक तो जीत मिली पाकिस्तान को एक अहम मैच में बांग्लादेश में, और दौड़ में शामिल हुई है पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से कोई भी प्रेस लीज या बयान नहीं आया। लेकिन ये जो खामोशी होती है ये तूफ़ान का पेशहमा होती है और हो सकता है कि आज नहीं कल नहीं परसों फिर एक दफ़ा से धमाका खेज खबरें जो हैं वो पीसीबी हेडक्वार्टर से आएँ। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैनेजमेंट कमेटी के मुस्तकबिल की है और हो सकता है शायद इसी वजह से खामोशी छाई हुई है पीसीबी के कॉरिडोर्स में भी, राहदारियों में भी, फर्स्ट फ्लोर में बिल्कुल सन्नाटा है जो हमें बताया गया, क्योंकि अगले दो तीन रोज़ में मैनेजमेंट कमेटी का फैसला होना है कि आया इसको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और या अगर नई मैनेजमेंट कमेटी जो है वो आएगी। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की आपने बात की और इन कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद पाकिस्तान टीम अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में है, तो मैं लोग मिलाते हैं इसको 1992 के वर्ल्ड कप के साथ, के जी उसके साथ ये मिलता है, उसके साथ वो मिलता है। मैं 2009 में जब पाकिस्तान टीम ने यूनुस खान की क्यादत में T20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में, मैं उसके साथ मिलाता हूँ। अब्दुल कादर मरहूम जो हैं वो चीफ सेलेक्टर थे और शुरू में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी और उन्होंने हमें अपने घर पर इन्फेंट्री रोड पर बुलाया, मुझे आज भी जाता है, गर्मी थी, जुमे का रोज़ था, और अपनी घर की छत पर उन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस्तीफ़ा दे दिया था। जूनियर ने इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान टीम जीतने लगती है और पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की क्यादत में जीत कर वतन वापस लौटती है। अब भी मुझे लगता है कि इस दौरान भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम टॉप फोर की है, अगरचे चार मैचेस हारी है, और पाकिस्तान टॉप फोर में पहुंचेगी और मुझे अब भी उम्मीद है। और वो जो कंट्रोवर्सीज 2009 में सामने आई थी, चीफ सेलेक्टर घर चले गए थे इस्तीफ़ा दे के, टीम की परफॉर्मेंस जो शुरू में थी और उनको कुछ सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ थे, अब चीफ सेलेक्टर तो इस्तीफ़ा दे दिया है लेकिन मामला इस मरतबा कुछ और हुआ, परफॉर्मेंस के ऊपर भी नहीं दिया, सिलेक्शन के ऊपर भी नहीं दिया, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि इन कंट्रोवर्सीज़ में पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल खेलेगी और कोई बेईद नहीं अगर अच्छी कारकर्दगी होती है जीत के। और ये जितनी भी सोशल मीडिया पे दो ही लोग हैं जिन्होंने अपना बयान दिया है, एक माइकल वॉन और एक आपने सोशल मीडिया पे लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो सकता है, तो हम उम्मीद तो कर सकते हैं और यकीनन आप जो बात भी कर रहे हैं। देखिए, चीफ सेलेक्टर की रेजिग्नेशन से एक बात तो ये समझ आई कि हम कुछ सीखते नहीं हैं वैसे। इंजमाम, आई मीन वी रिस्पेक्ट हिम, वी लव हिम, ही हैज़ बीन एन आउटक्लास, यू नो, क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर डेफिनेटली, लेकिन शायद इस वक्त यू नो, नहीं, नॉट दैट, उनको इस वक्त अटेंशन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी बाय रिजाइनिंग, ही शुड हैव वेटेड, और बरयुज़िमा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली, ही शुड हैव परहैप्स वेटेड। एनीवे, दैट्स आवर कॉल। भट्टी साहब, क्या हाल है, पहले तो बताएं, आपकी भी मुलाकात हुई होगी टीम से, आज हमें पता है कि वो रेस्ट करेंगे, नो प्रैक्टिस, नथिंग, बट देयर इज अ बिग मैच ऑन सैटरडे, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं? अच्छा हुमा, कल मैं भी ट्रैवल कर रहा था, टीम तो ज़ाहिर है चार्टर्ड प्लेन में आई तो मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन जो सोहेल इमरान बात कर रहे हैं, मैं उसका फार्मूला बता दूं, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, अगर वो हो जाए तो फिर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 83 रन से हराए या 35 ओवर में पाकिस्तान को जो भी टारगेट मिलता है वो चेस करे, और उसके बाद यहीं बेंगलुरु में 9 तारीख को जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है वो श्रीलंका की टीम जीत जाए,
और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। मेरे ख्याल में इफ एंड बट्स बहुत हैं, एक बारिश का भी खदशा है कि पाकिस्तान की श्रीलंका टीम याद रहे अफगानिस्तान से हार चुकी है, तो बस श्रीलंका न्यूजीलैंड वाला मैच में मसला कर सकता है। श्रीलंका ने बड़ी टीमों को अपसेट भी किया, अगर आपको याद हो एशिया कप में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को भी हरा चुकी है और उसने भारत को भी हराया था, तो ऑन अ डे श्रीलंका की टीम किसी टीम को भी हरा सकती है। लेकिन मुबशिर एक और जो भट्टी साहब आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही और कुछ अच्छा, लेकिन कंटिन्यूइंग विद बहुत भट्टी साहब वो सेइंग वो कैलकुलेशन तो पिछले घंटे में हमने बड़ी अच्छी तरह आपको बताई दी थी कि हमें कितने रन चाहिए और कितने ओवर्स मतलब आइदर में हो जाएं, अब वो हो या ना हो, लेकिन द फैक्ट कि कल साउथ अफ्रीका ने जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया है मतलब वो भी इन कैलकुलेशंस का एक हिस्सा थी, तो पहला पार्ट तो हो ही गया ना, तो सारे टिक्स क्रॉस हो रहे हैं पिछले आईसीसी इवेंट्स में होता रहा है। अच्छा सुहेल, आपसे ये जरूर जी भट्टी साहब आप बात कंटिन्यू। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस टीम को एकदम से उन्होंने क्रॉस खींच दिया था और रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी कि नहीं बस इस टीम को अब वतन वापस जाना है, तो इस तरह नहीं है। टीम में अभी भी मेरे ख्याल में जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह किस्मत पाकिस्तान का साथ दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। पाकिस्तान टीम को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। सही। अच्छा सुनील, आपसे ये जानना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला आप देख रहे हैं सारे, इस वक्त बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं लेकिन आप कह रहे हैं वैसे खामोशी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो ये जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी कुछ पता चला, कुछ जराए आपके कुछ बता रही, कुछ बात हुई, किसने की, कैसे चैट लीक हो गई? मुबशर ये तो चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं और जहां पर ये चैट लीक की गई थी वहां पर भी इसके ऊपर तबसरे भी हो चुके हुए हैं, शायद उसके बाद इसके ऊपर इसको ऑन भी किया गया है, तो ये कोई इतना इसमें इबहाम नहीं है क्योंकि ये चैट सलमान जो अपरेंटली लग रहा है, जो बज़ाहिर लग रहा है वो यही है कि जो सीईओ है सलमान सीर उनके साथ गुफ्तगु होती है और उसके बाद वो उनको यकीन दिलाने के लिए चेयरमैन के पास भेजती हैं, तो फिर दो बंदों के पास है, या तो बाबर आजम ने गुफ्तगु की है सलमान नसीर के साथ जो सीईओ हैं और उसके बाद इसके बारे में वाजे किया उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को, तो या उनके पास चैट है, इन तीन अफराद के पास ही उसकी चैट है और वो बताया गया है कि चेयरमैन ज़का अशरफ से ही वो चैट उन्होंने एक्चुअली भेजी थी जी, कहा यही गया था कि उन्होंने खुद भेजी थी ये स्क्रीनशॉट। लेकिन इससे दो बंदे बहुत अनाइड हैं, एक तो सीईओ जो हैं जो हमें पता चला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सलमान नसीर, वो बहुत अनाइड हैं कि अगर इस तरह की गुफ्तगू जो थी वो एक कारपोरेट कल्चर में एक साहब ने दूसरे साहब को दे दी तो वो उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी, और अगर प्लेयर्स जो हैं वो दोबारा उनके साथ किस तरह एतमाद करेंगे कि ये जो सीईओ हैं उनके साथ हम अपनी मसले मसाइल की बात करेंगे, तो वो चेयरमैन को भिजवा देंगे या किसी और जगह पर भिजवा देंगे जहाँ से लीक हो जाएगी, तो ये जो दरमियान में एक गैप पैदा हो गया है एतमाद का वो एक उसकी वजह से परेशान है सीईओ। दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम भी जो हैं वो भी इसको चीज़ को लेके खासे अनॉयड हैं, जो हमें पता चला बहुत ज़्यादा उन्हें कि जी एक अगर मैंने अपनी क्लैरिटी चाही थी या क्लैरिटी की है तो वो गुफ्तगू कुछ ही देर के बाद मीडिया के आ जाती है और इसके बाद अगर किसी दिन वो सेंसिटिव मामले के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं कोई अपनी क़यादत के लिहाज से, अपनी सिलेक्शन के लिहाज से या आप खिलाड़ियों के फिटनेस के लिहाज से कोई बात करते हैं चेयरमैन के साथ या सीईओ के साथ करते हैं तो वो क्या मीडिया के ऊपर, तो वो दोनों ये दो जो शख्स हैं ये खासे जो है इनको होना भी चाहिए क्योंकि ये एक और एक इशू जो पूरी दुनिया में एक उठाई हुआ है इशू ऑफ कंसेंट कि कोई किसी से बात कर रहा हो कि आपने पूछा कि भाई आपकी कॉन्वर्सेशन है कि हम आगे फॉरवर्ड कर दें। इसमें एक और भी चीज़ सीखने को है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी लिखत पढ़त होती है कोई मैसेजेस इधर से उधर आप लोग करते हैं तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू राइट। स्क्रीनशॉट्स आजकल मतलब कोई किसी से नहीं पूछता और समझते हैं कि जब हमें बात आई गई है तो आओ जी इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे कर दें, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड ओवर हियर एज वेल। कमिंग बैक टू यू भट्टी साहब, जरा हालात हाजरा तो दें परसों के लिए, मौसम हम सुन रहे हैं बारिश भी फोरकास्ट में है और अगर बारिश हो जाती है तो फिर अगर मगर हमारे लिए हाँ ये जो हमारा 83 रन 35 ओवर्स ये सब कुछ अगर मगर हिल जाएगा। देखिए बारिश तो फिर पाकिस्तान टीम के लिए नुकसान है कि अगर मैच वॉश आउट होता है, अभी तक जो मेट ऑफिस बता रहा है कि
दोपहर में 2 बजे के बाद 85% बारिश के इम्कान हैं। अब पता नहीं यहाँ का मेट ऑफिस हमारे मेट ऑफिस की तरह कितना परफेक्ट है, क्या ये फोरकास्ट जो है अभी मैच शुरू होने में चूंकि 40 घंटे हैं या 48 घंटे हैं तो ये फोरकास्ट बरकरार रहती है ये नहीं रहती, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम 1 पॉइंट लूज कर गई और न्यूजीलैंड की टीम अपना मैच कंप्लीट कर गई श्रीलंका के खिलाफ, फिर पाकिस्तान की टीम मुश्किलात में आएगी। लेकिन लोकल ऑर्गेनाइजर्स भी चाहते हैं कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में रहे क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, हमने चेन्नई में भी देखा, बेंगलोर में भी देखा, कलकत्ता में भी देखा कि बहुत ज़्यादा घंटों पहले लोग पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स स्टैंड्स में जाते हैं, सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं, कुछ फैंस जो खुशकिस्मत हैं उनको कभी बाबर आजम अपनी शर्ट दे रहे हैं, कभी रिजवान दे रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में रहे ताकि टूर्नामेंट की सक्सेस जो है वो इसी में है कि दो एशियन टीमें सेमीफाइनल में आए, और ईडन गार्डन्स में अगर सेमीफाइनल होता है कलकत्ता में तो फिर 16 तारीख वाला सेमीफाइनल तो वहां पर 80,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है और हर आदमी की उस दिन ख्वाहिश होगी। अगर ये मैच पाकिस्तान भारत का हो जाता है तो कमाल, वो तो खैर बादी की बात होगी। बटी साहब एक बात बताएं, अब हमें पता है फोरकास्ट में 85% बारिश है लेटर इन द डे, तो जो भी टॉस जीते उसको बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग, मतलब ये किस तरह डिसीजन क्या होनी चाहिए? हुमा अभी तक हम भी ग्राउंड में नहीं गए और पाकिस्तान टीम आज कल सुबह 10 बजे हमारे 9:30 बजे पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन है, उस वक्त सूरत हाल वाजे होगी कि अब पिच कैसी है, प्रकाश अगर कंडीशन हुई तो वो कंडीशन के मुताबिक ही तय होगा, अभी कहना मुश्किल। अच्छा और भट्टी साहब अगर बारिश हो जाती है तो वर्ल्ड कप के रूल्स थोड़े एक्सप्लेन कर दें, कितने ओवर्स का मैच हो तो वो मैच कंसिडर होगा और पॉइंट्स टीमों को मिल सकेंगे, और क्योंकि रिजर्व डे वाला मामला तो नहीं है क्रिकेट वर्ल्ड कप में? नहीं, इसमें ग्रुप मैचेस में रिजर्व डे नहीं है, कम से कम 15 ओवर्स का खेल होना जरूरी है अगर मैच को फैसला कुन बनाना है, 15 ओवर से कम खेल जो है वो अगर हुआ तो फिर मैच गैर नतीजा खेज होगा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, तो लिहाजा एक टीम अगर 15 ओवर बैटिंग करती है तो दूसरी टीम को भी 15 ओवर बैटिंग करनी होगी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी और कल जिस तरह उसने एकदम से डिप लिया और बड़े मार्जिन से हारी है साउथ अफ्रीका से, तो यहाँ पर आज अखबारात भी आप उठाएं तो एक्सपर्ट्स भी हैरान है कि न्यूजीलैंड की टीम को अचानक क्या हो गया कि उसने टॉस जीता और पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग दे दी, तो ये बड़ी अनहोनी चीजें हो रही हैं जो लोगों के समझ में नहीं आ रही कि भट्टी साहब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ना कि कल साउथ अफ्रीका ने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जितनी न्यूजीलैंड ने क्रिकेट बुरी खेली कल। बिल्कुल यही कहने का मकसद है कि एक टीम इतना अच्छा खेलते खेलते क्या हो गया न्यूजीलैंड की टीम को, फिर न्यूजीलैंड के जेमिसन एक उनके जो ऑलराउंडर वो तवील कामत फास्ट बॉलर है उनको पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए कॉल कर लिया गया, ये लेटेस्ट अपडेट है, तो न्यूजीलैंड को भी इंजरीज का सामना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शादाब खान शायद अभी तक रिकवर नहीं कर सके, शादाब खान न्यूजीलैंड के मैच में सही। भट्टी साहब से अच्छा भट्टी साहब दोबारा कोशिश करेंगे जी, कर लेंगे कोशिश। अच्छा सुहेल इमरान आप भी क्योंकि क्रिकेट पर नजर रखे हुए हैं तमाम तर मामलों पे, जो रिजर्व प्लेयर्स वहां पर मौजूद हैं उनको कब यूटिलाइज किया जाएगा? जमान खान वहां पर हैं, अबरार अहमद हैं, मुबशर उसका एक कानून कायदा है जिसके ऊपर अमल करना पड़ता है, अगर आपका कोई खिलाड़ी जो है वो अनफिट हो गया और उसको बाहर जाना पड़ता है, मतलब बाहर जाने से मुराद है कि वो रूल आउट हो गया है और वो मज़ीद मैचेस नहीं खेल सकता, तो फिर उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट होती है वो किसी भी टीम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ और वो फिर आईसीसी की जो टेक्निकल रिव्यू कमेटी है उसको वो केस भेजती है कि जी हमारे फलां फलां प्लेयर जो हैं वो अनफिट हो गए हैं, अब हम उनकी जगह पर एक ये वाला प्लेयर जो है वो टीम में 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं, उसके बाद जो वो कमेटी है वो रिव्यू करती है और फिर वो इजाज़त देती है और फिर आईसीसी की इजाज़त के जो बाद ही वो लिया जा सकता है प्लेयर, लेकिन एक आधे मैच के लिए नहीं हो सकता, जैसे शादाब खान अगर बाहर हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि जी रिजर्व प्लेयर में से बुला के आप इब्रार को खिला दें और फिर जब शादाब फिट हो जाए तो फिर तो अब तक तो पीसीबी को फैसला कर लेना चाहिए ना क्योंकि शादाब ने 2 मैचेस नहीं खेले।
जी शादाब के बारे में जो पता चला है उनकी कंकशन वाले जो है जो चक्कर उनको आने वाला मामला है, वो पिछले बदकिस्मत रहे हैं कि वो एक दफ़ा उनको वहाँ पर भी हुआ था, इंग्लैंड में भी जब वो खेल रहे थे एशिया कप में भी हुआ था। एक साल के दौरान कम अज़ कम उनके दो तीन दफ़ा ये वाले मामला हो चुके हैं कंकशन के, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में शादाब के हवाले से कंसर्न भी शो कर रही है, इसलिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पर उनको कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैच में राइट right. वैसे बात भी सही है कि रिस्क क्यों लें, खासतौर पे तीसरी बार में तो हेल्थ आल्सो काउंट्स यू नो पैरामाउंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान एंड माजिद भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।